लगता है कुर्बानी के लिए आप लोगों ने वो आखिरी आदमी ढूंढ लिया है। अब बिना किसी खून खराबे के वो आखिरी आदमी हमें दे दीजिए और अपनी जान बचाइए। जान की फिक्र तो तुम लोग करो, आखिरी कुर्बानी तो हमारे द्वारा ही दी जाएगी। लगता है तुम ब्लैक हुड के लोगों को विनम्रता रास नहीं आती। हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। सबके सब अपनी बंदूक के नीचे छोड़ दो, तुम सब लोग गिर चुके हो। अचानक हुए पुलिस के इस हमले से ब्लैक हुड और रेड हुड के लोग घबरा गए। पुलिस ने इस हमले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बेहतर होगा ज्यादा चीपटांग करना छोड़ दो, वरना यही मसल दिए जाओगे। तुम्हारे साथ ही भाग चुके हैं। पुलकित, इसका नकाब हटाओ। विक्रांत, ये मेरा दोस्त है सर, जो अमेरिका से आया है। इसी ने रोहित को जलाकर मार डाला है। कसम से बता रहा हूँ पुलकित, उस कमीने की चीखें सुनकर, आग से पिघलते उसके मास को देखकर, उसकी छटपटाहट देख, जो सुकून मिला और किसी चीज में नहीं मिला था। तू और तेरे लोग मानसिक रूप से अपाहिज हो चुके हैं, जो एक काल्पनिक देवता की पूजा करते, उसके नाम पर कत्ल करते। इसे यहाँ से ले जाओ इंस्पेक्टर, वरना ना जाने मैं क्या कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, पर तुम खुद को संभाल लोगे ना पुलकित? जी, आप लोग इसे ले जाइए। हाँ, काम हो गया। ब्लैक हुड के एक सदस्य को पुलिस ले गई। नहीं, मुझ पर किसी का शक नहीं गया, लेकिन इस पूरे नाटक में मैं मरते मरते बचाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, इस महान उद्देश्य के लिए मेरी जान भी चली जाती तो कोई अफसोस नहीं। अमर रहे रेड हुड और अमर रहे काल भुजंग। पुलिस स्टेशन, मनाली। तुझे इतना मारा जाएगा कि तू सोच भी नहीं सकता। तेरी भलाई इसी में है कि जो मैं पूछूं उसका सीधा जवाब दे देना। इंस्पेक्टर, तुझे पता है ना, तेरे पिता हम में से एक थे। तूने अपने पिता की इज्जत को शर्मसार किया है। मेरे पिता कातिल थे, उन्होंने मेरी माँ की बलि चढ़ा दी थी, और मैं उनके जैसा कतई नहीं हूँ, और ना तुम में से एक। बस मुझे अपने मुखिया के गुप्त अड्डे का पता बता दो। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। एक आखिरी कुर्बानी और, फिर हमारे आराध्य काल भुजंग आजाद हो जाएंगे। तुम्हारा देवता क्या पूरी तरह तुम पर निर्भर है? क्या खुद वो कुछ नहीं कर सकता? चाहे कोई भी आराध्य देव हो, उसे अपने भक्तों की शक्ति की आवश्यकता होती ही है। वैसे ही हमारे ईश्वर को हमारी भक्ति की आवश्यकता है। उन्हें कैद से निकालने के लिए आत्माओं की शक्ति चाहिए। सिर्फ एक और बलि और फिर देखना तुम। इस तरह बिना हथियारों के लोगों को आसानी से मारना, इसे हमारी जादुई किताब में कहा गया है, कैलिकॉइनेसिस। क्या शमशेर बचा पाएगा खुद को, या फिर बनेगा वो भी इनका शिकार? कहानी जारी रहेगी।